डियर लर्नर्स, वेलकम टू एमजी सेक इंग्लिश क्लासेस। ठीक है, तो आज का हमारा वीडियो होगा टेंस से रिलेटेड। टेंस में हम पढ़ चुके थे पास्ट कंटिन्यूअस तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। वैसे परफेक्ट टेंस में हम बताए होंगे कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, और परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है, इसमें पास्ट परफेक्ट की पहचान क्या होती है कि इसमें दो कार्य होते हैं। कितने कार्य होते हैं? दो कार्य होते हैं। ठीक, अथवा अगर एक कार्य होगा तो क्या होगा, उसमें दूसरे कार्य का भाव, दूसरे कार्य का भाव छिपा होता है। दूसरे कार्य का भाव क्या होगा? छिपा होता है। बनता कैसे है? हैड लगा करके वर्ब का थर्ड फॉर्म। और इसमें अगर पहले आएगा तो उसकी अंग्रेजी क्या लिखते हैं? बिफोर। और बाद में आने पर उसकी अंग्रेजी क्या लिख देते हैं? आफ्टर। ठीक, और एक आता है पहले ही, तो इसमें ये आएगा। जब दूसरे कार्य का भाव छिपा होगा तो उसमें ध्यान से देखिएगा, उसमें आएगा पहले ही, और इसकी अंग्रेजी लिखते हैं ऑलरेडी। और ऑलरेडी का प्रयोग हमेशा कहां करते हैं? मेन वर्ब से पहले। कहां करते हैं? मेन वर्ब से पहले, ये ध्यान में रखना है। अगर दूसरे कार्य का भाव छिपा है, ठीक है, दूसरे कार्य का भाव छिपा है तो उसमें क्या आएगा? पहले ही। और पहले ही आने पर क्या करेंगे? उसकी अंग्रेजी ऑलरेडी लिखेंगे। और ऑलरेडी का यूज कहां होता है? मेन वर्ब से पहले। और अगर दो कार्य हैं तो उसमें या तो पहले आएगा या तो बाद में। ये क्या है? ये कंजक्शन होता है। इसको क्या कहते हैं? कंजक्शन। ठीक है, तो बिफोर या आफ्टर क्या होता है? कंजक्शन। और कंजक्शन के बाद हमेशा क्या यूज होता है? कंजक्शन के बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। और सब्जेक्ट लिखेंगे तो फिर सब्जेक्ट वर्ब लिखेंगे। और दूसरा तरीका भी है लेकिन ये आसान होता है थोड़ा सा। ठीक है, कैसे? अब ध्यान से देखिए एग्जांपल। जैसे मैंने या मैं यह समाचार, मैं यह समाचार पहले ही सुन चुका था। ठीक, तो किसी ने मुझे कोई चीज बताया, मान लो मैं, हम कोई हैं, बात कर रहे हैं हम लोग आपस में, तो उसने मुझे कुछ कोई न्यूज बताई। ठीक, कि जैसे मोदी जी ने वो जो हिट एंड रन केस वाला जो रूल था उसको क्या कर लिया, उन्होंने कहा कि अभी अप्लाई नहीं होगा, इसलिए जितने भी जाम वगैरह लगे थे, जो धरना वरना कर रहे थे लोग, वो क्या हो गया, वापस हो गया। अब ट्रक व्रक चलने लगा, सारी चीजें सस्ती होने लगी, धीरे धीरे सारी चीज मिलने भी लगे, नहीं तेल तो बंद हो गया था। ठीक है, आलू सब्जी सब कुछ, सारी चीजें महंगी थी, महंगी क्या थी, मिल भी नहीं रहा था, उसमें भी दिक्कत हो रहा था। तो मान लो वो सुनाए, हमने कहा भाई हम तो पहले ही सुन लिए थे, यानी कि उसके कहने के बाद हमने कहा कि हम पहले सुन लिए थे। ठीक है, लेकिन उसका कहना इसमें छिपा हुआ है। जब कोई कहेगा तभी तो हम कहेंगे, जैसे मान लीजिए हम गए किसी ने कहा खाना खा, नहीं हम पहले खा लिए हैं। ठीक है, तो हम पहले खा लिए तो इसका मतलब है कि उसने कहा तब हमने ये जवाब दिया, तो उसका कहना इसमें क्या है? छिपा हुआ है। इसीलिए दूसरे कार्य का भाव क्या है? छिपा हुआ है। तो जो काम पहले होता है, जैसे अगर ये टाइम लाइन में हम देखें तो ये मान लीजिए टाइम है, और इस टाइम को अगर हम प्रेजेंट मानते हैं, ठीक है, ये टाइम हमेशा सीधी रेखा में आगे बढ़ रही है, तो प्रेजेंट से अगर हम आगे जा रहे हैं, ठीक है, फॉरवर्ड, कहां जा रहे हैं? फॉरवर्ड हो रहे हैं, तो कहां जाएगा? इस पॉइंट ऑफ व्यू, इस पॉइंट को अगर हम बात करें तो फ्यूचर चला जाएगा। और इससे हम पीछे जा रहे हैं बैकवर्ड, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पास्ट। लेकिन जब पास्ट से भी पीछे जाएंगे तो ये होता है पास्ट ऑफ पास्ट। ये क्या होता है? पास्ट ऑफ पास्ट, यानी कि पास्ट का पास्ट। और इसी को हम कहते हैं, पास्ट के पास्ट को ही क्या कहते हैं? पास्ट परफेक्ट कहते हैं। ठीक, जो पास्ट का भी पास्ट हो उसी को हम क्या कहते हैं? पास्ट परफेक्ट। तो यानी कि ये काम बीत गया, उसने कहा, कह रहे मोदी जी ने,
वो अभी नियम लागू ही नहीं किया, ठीक है, काम खत्म हो गया, और हमने कहा हम तो पहले ही सुन लिए थे, तो इसीलिए वो किसमें चला जाएगा, पास्ट ऑफ पास्ट में, और क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। मैं का क्या हो जाएगा, आई, आई के साथ क्या लगेगा इसमें हेल्पिंग वर्ब, हैड, और पहले ही की अंग्रेजी, हमने कहा जब उसमें दूसरे कार्य का भाव छिपा होगा तो पहले ही की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, ऑलरेडी, और ऑलरेडी का प्रयोग कहां करते हैं, मेन वर्ब से पहले। आई हैड ऑलरेडी सुनना हियर, और थर्ड फॉर्म हर्ड यह समाचार, तो क्या हो जाएगा, दिस न्यूज। एक और एग्जांपल देख लीजिए, उसने पहले ही खाना खा लिया था, उसने पहले ही खाना खा लिया था, तो ही हैड, ही के साथ उसने का अंग्रेजी क्या हो गया, ही के बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, पहले ही का अंग्रेजी ऑलरेडी, ऑलरेडी खाना खाना ईट, थर्ड फॉर्म ईटन, और खाना का अंग्रेजी फूड, तो ही हैड ऑलरेडी ईटन फूड। तो ये हो गया जिसमें क्या हो, एक कार्य हो और दूसरे कार्य का भाव छिपा हो, ठीक। लेकिन अब हम पढ़ेंगे जिसमें दो एक्शन आए, और दो एक्शन जिसमें आएंगे उसमें हमें क्या लगाना पड़ेगा, कंजक्शन बिफोर या आफ्टर, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ठीक। पास्ट परफेक्ट क्या होता है, पास्ट का भी पास्ट होता है, तो जिसमें दो कार्य आएंगे, तो सबसे पहले हम एक देखते हैं बिफोर का, ठीक है, बिफोर कंजक्शन जिसमें पहले आए या पूर्व आए, ठीक है। तो अगर इसमें दो कार्य हैं, तो कोई एक कार्य इसके पहले लिखना पड़ेगा और एक कार्य बाद में, दो कार्य होंगे इसी तरीके से, बीच में पहले या पूर्व आएगा, से पहले या से पूर्व। तो उसमें जो फर्स्ट कार्य होगा, फर्स्ट कार्य को ऐसे लिखना, पहले वाला कार्य, क्या लिखेंगे, पहले वाला कार्य, तो पहले वाला कार्य, और बाद में लिखते हैं बाद वाला कार्य, क्या होता है, बाद वाला कार्य। तो जो कार्य पहले होगा उसमें हम क्या लगा देंगे, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और जो बाद में होगा उसमें क्या लगा देंगे, सेकेंड फॉर्म। जैसे ये तो यूनिवर्सल हो गया है, हम भी पढ़े थे, आप लोग भी पढ़ेंगे, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, ठीक है, हम भी पढ़े थे जब हम थे 9th-10th में, तो डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो एक काम हो रहा है डॉक्टर का आना, ये तो से पहले हमारा कंजक्शन हो गया, ठीक है, और उसके बाद हो रहा है मरीज का मरना, तो इसमें कौन सा काम पहले हो रहा है, कौन सा काम बाद में हो रहा है, यही पहचानना है हमको, ठीक है। तो डॉक्टर के आने से पहले ही मर जा रहा है, तो डॉक्टर बाद में आ रहे हैं, मरीज पहले मर गया, ठीक, तो ये काम पहले हो गया, डॉक्टर का आना बाद में हो रहा है, तो जो काम पहले होगा इसको हमें भूल जाना है, ठीक है, कि हमारे पास और भी मरीज मर चुका था, इसको हमें लिखना है, सब्जेक्ट क्या है, कौन मरेगा, मरीज, मरीज का क्या लिख देंगे, द पेशेंट, ठीक, पेशेंट लिख दिए, उसके बाद परफेक्ट में क्या लगता है, हैड, और उसके बाद मरना, डाई माने मरना, थर्ड फॉर्म डाई, उसके बाद देखिए बिफोर, ये हैड लगा के थर्ड फॉर्म लिख दिए, फिर आएगा बिफोर, पहले की अंग्रेजी, बिफोर लिख दिए, अब उसके बाद क्या बचा, बिफोर लिखने के बाद डॉक्टर का आना, तो इसमें इतने बचा, अब इसको भूल जा, डॉक्टर का आना, कौन आया, डॉक्टर, तो इसका अंग्रेजी लिखेंगे द डॉक्टर, ठीक, आना, इसमें वर्ब का कौन सा रूप लगता है, सेकेंड फॉर्म, तो आना कौन माने होता है, कम माने आना, और सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, केम, ये हो गया खत्म, ठीक, आसान सा है ना। एक और देख लेते हैं, P
पिताजी के आने से पहले ही आने से पूर्व, अब इसमें पहले में लिखे पूर्व लिखते हैं, ठीक है, पिताजी के आने से पूर्व माता जी ने खाना पका लिया था। ठीक, अब इसमें भी दो काम हो रहा है, एक तो हो रहा है पिताजी का आना और दूसरा काम हो रहा है माता जी का खाना पकाना। तो माता जी पहले ही खाना पका ले रही हैं, पिताजी कहां आ रहे हैं, बाद में आ रहे हैं। तो जब बनाएंगे तो माता जी मदर, अब मदर जी नहीं लिखेंगे, ठीक है, अब यहां बच्चे जी लिख देंगे, बहु इंग्लिश में रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता है, ठीक, यू माने भी तुम, आप माने भी तुम, माता जी का मदर लिख दो, हो गया खत्म, हिंदी में रिस्पेक्ट होता है, ठीक, इंग्लिश वैसे ही रहता है, माता जी मदर, अब इसमें क्या लगेगा, हैड, हैड लगा दिए, खाना पकाना कुक्ड फूड, पूर्व का अंग्रेजी बिफोर, पिताजी फादर, आना कम सेकेंड फॉर्म केम, एक और तुम्हारे या उसके स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी स्टेशन पर नहीं पहुंची थी। तो इसका स्टेशन पर पहुंचना, रेलगाड़ी स्टेशन पर नहीं आई थी लिख ले रहे हैं, ठीक है, आई थी, ठीक, और रेलगाड़ी का स्टेशन पर आना, तो पहले आ रही है और बाद में पहुंच रहा है, और इसको कंफ्यूजन नहीं होना है, इसमें नहीं हटा करके हम देखेंगे कि रेलगाड़ी स्टेशन पर आई थी तुम्हारे पहुंचने से पहले या उसके पहुंचने से पहले। तो रेलगाड़ी का क्या लिखेंगे, द ट्रेन है, नहीं हटा करके पूछेंगे प्रश्न तब पता चलेगा, अगर नहीं लगा के पूछते हैं तो गलत हो जाएगा, ठीक है, उल्टा हो जाएगा, तब द ट्रेन हैड नॉट अराइव्ड, माने आना, अराइव के साथ क्या प्रीपोजिशन लगता है, एट द स्टेशन, द ट्रेन हैड नॉट, आना या पहुंचना का अंग्रेजी अराइव भी होता है, ठीक है, और अराइव के साथ प्रीपोजिशन क्या लगता है, एट द स्टेशन, और पहले की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, बिफोर उसका स्टेशन पहुंचना, बिफोर, अब इसमें सब्जेक्ट हो गया ही, पहुंचना का अंग्रेजी रीच, सेकेंड फॉर्म रीच स्टेशन, फिर स्टेशन नहीं लिख के क्या लिख देंगे, देयर लिख देंगे, ठीक, नहीं लिख रहा है, बिफोर ही रीच, अब सही है, बिफोर ही रीच, और स्टेशन की जगह पे क्या लिख देंगे, बिफोर ही रीच, यहां पर लिख दे रहे हैं, वो दिख नहीं रहा होगा, देयर, ये स्टेशन के लिए हो जाएगा, वहां पे लिख दीजिएगा, ठीक, तो ये हो गया हमारा पहले के लिए, और अगर क्या आ जाएगा तो हेड को हम क्या कर देंगे, पहले लिख देंगे, लेकिन अब इसके बाद दूसरा वाला सेंटेंस देखते हैं कि जब बाद में आएगा तब क्या करेंगे, तो इसी को हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, बाद में आने पर क्या करेंगे, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ, बाद में या के बाद, के बाद या पश्चात भी होता है, ठीक, तो इसका अंग्रेजी क्या हो जाता है, आफ्टर, इसमें क्या करते हैं, बाद में आने पे बाद वाला कार्य पहले लिख देंगे और पहले वाला कार्य बाद में, यानी कि इस काम के बाद ये काम हो रहा है, ठीक, तो पहले वाला कार्य बाद में लिखेंगे तो उसमें क्या लगेगा, पहले वाले में हैड लगा के थर्ड फॉर्म, ठीक है, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और बाद वाले में क्या लगता है, सेकेंड फॉर्म, लेकिन जब नहीं आएगा तब क्या करेंगे, डिड नॉट लगा करके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे, ये ध्यान में रखना है,
अब एग्जांपल देखते हैं। खाना खाने के बाद मैं उसके घर गया। खाना खाने के बाद मैं उसके घर गया, तो खाना खाना और बाद में उसके घर जाना, पहले पहचानेंगे तो खाना खा लिए हैं, ठीक है, खाने के बाद उसके घर जा रहे थे, ये काम पहले हो रहा है, ये बाद में हो रहा है, तो जो बाद में होगा उसको पहले लिखेंगे। मैं उसके घर गया, आई सेकेंड फॉर्म, वेंट कहां जा रहे हैं टू, हिज होम बाद में, आफ्टर खाना खाना, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, कौन खा रहा है खाना, मैं खा रहा हूं, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होगा दोनों क्लॉजेस में सब्जेक्ट क्या होंगे, सेम होंगे, तो सब्जेक्ट दोनों जगह सेम ही लिखेंगे, खाना मैं खाऊंगा और मैं ही जाऊंगा, ठीक है, इसमें खाना सब्जेक्ट नहीं होगा, ये ध्यान में रखिएगा, मैं खाना खा रहा हूं, मैं उसके घर जा रहा हूं, तो दोनों जगह सब्जेक्ट सेम हो गया। और बाद जो बाद में यहां क्या लिखेंगे, पहले वाला काम बाद में लिख रहे हैं, तो इसमें हैड लगा करके वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख देंगे, ईट माने खाना खाना, ईटेन और क्या खा रहे हैं तो फूड। तुम्हारे जाने के बाद, तुम्हारे जाने के बाद उसने अपना पाठ याद नहीं किया था, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, तुम्हारा जाना, तुम पहले चले गए, अब बाद में उसने अपना पाठ याद किया नहीं हटा करके, ये काम बाद में हो रहा था, इसको पहले लिखेंगे, उसने का अंग्रेजी ही, और नहीं आने पे हम क्या लगा देंगे, डिड नॉट, और याद करना लर्न, और डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म ही आता है, ठीक है, इसको हम कई बार बता चुके हैं कि डू डज और डिड कभी भी आएगा तो उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ही डिड नॉट लर्न अपना पार्ट, हिज लेसन बाद में, आफ्टर तुम्हारा जाना, यू माने तुम, तुम्हारा अंग्रेजी योर नहीं लिखेंगे, हमने इसलिए बता दिया कि कंजक्शन होता है, आफ्टर क्या होता है कंजक्शन, और कंजक्शन के बाद क्या आता है सब्जेक्ट, तो हमेशा क्या लिखेंगे सब्जेक्ट रूप लिखेंगे, सब्जेक्ट के जगह पे सब्जेक्ट रूप, और इसमें हैड लगा करके वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैड लगा दिए जाना गो का थर्ड फॉर्म गॉन, तो इस तरीके से हमारा बनेगा पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक। तो आई होप आप लोगों को मजा आया होगा और समझ में भी आया होगा, ठीक है, तो गुड लक बाबू।